हमें क्षणिक प्रेरणा की नहीं, हमें अपने जीवन, अपने विचार, अपने मन को ठीक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। अगर हम अपने मन को समझ लेते हैं, विचारों को समझ लेते हैं, तो समझें कि आपने अपनी ऊर्जा के एक बड़े स्रोत को एक स्थान पर एकाग्र करने का एक विधि समझ ली, एक तरीका समझ लिया। क्यों हमारी क्षमताएं विकसित नहीं हो पाती? क्योंकि हमारी क्षमता, ऊर्जा, समय अलग अलग स्थानों पर बटा रहता है। जब ये एकीकृत होकर के किसी भी एक दिशा में ठीक प्रकार से लगना शुरू हो जाता है, तो निश्चित रूप से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। इस विषय में अगर आप देखते हैं तो अधिकांश मुझे ऐसे प्रश्न प्राप्त होते हैं कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, हम अपने किसी एक विषय पर एकाग्र नहीं हो पाते हैं, हमारे मन में कुछ ऐसी चीजें चलती रहती हैं जिनका हमारे जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं है। ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? आधुनिक भाषा में इसको एक नाम भी दिया गया है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। लेकिन ये जो विषय हैं ये आधुनिक समय के हिसाब से नए हो सकते हैं, लेकिन अगर आप योगिक अवधारणा को देखते हैं तो ये हमारे हजारों साल पहले ऋषियों ने, मनीषियों ने व्यक्ति के स्वभाव को, उसके जीवन को देख करके ये कहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, ये योग की एक प्रमुख परिभाषा है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है। और आप समझें कि योग मार्ग पर आगे बढ़ना एक बड़ा, एक ऊंचा उद्देश्य है। अगर इन सिद्धांतों के आधार पर योग मार्ग में प्रगति की जा सकती है, तो सामान्य आपकी सफलता हो, आपके जीवन का कोई अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने की स्थिति हो, कोई भी विषय हो, उसको तो निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो आप समझें, विचारों की एकाग्रता जिस भी दिशा में हो जाएगी, क्षमता विकसित होनी शुरू हो जाएगी। बस यही आपको समझना है कि इस ठहराव को जब आप ले आएंगे, ये जो भटकाव निरंतर अलग अलग स्थानों पर हो रहा है, जब ये ठहराव आना शुरू हो जाएगा तो आप कम समय में भी अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। क्यों? हमारे ऐसे कितने ही विद्वान हुए हैं जिन्होंने जो वर्षों के कार्य थे, जिसमें व्यक्ति का पूरा जीवन लग जाए, वो बहुत अल्पायु में ही, बहुत कम समय में ही उन स्थितियों को, उस विद्वता को, उन सिद्धांतों को समझ लिया, प्राप्त कर लिया और उनके आधार पर अपने विचार भी रखे, कितने बड़े बड़े कार्य किए। क्यों? क्योंकि भटकाव शून्य हो गया, अब भटकाव नहीं रहा। जब जब भटकाव खत्म हो जाएगा, तब तब योग्यता, स्मृति, क्षमता हर तरीके से विकसित होनी शुरू हो जाएगी। ये मूलभूत सिद्धांत है, इनको समझना है। जैसे एक जलाशय है, उस जलाशय की सतह पर कोई तरंगे हैं, कोई उसमें हलचल बहुत अधिक है, तो आप समझें कि उसकी तलहटी में आप देख ही नहीं सकते। जलाशय का जल स्थिर हो जाएगा तो सहज ही नीचे तक देख पाएंगे, स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा तो सहज ही नीचे तक देख पाएंगे। तो यही स्थिति है, जीवन में स्पष्टता हो, जो कर रहे हो वो स्पष्ट हो कि हाँ, ये मेरे लिए उपयुक्त है, मेरे स्वभाव के अनुसार है, मेरी क्षमता जो ईश्वर ने मुझे दी है उसके अनुसार है, ये स्पष्टता हो गई। फिर स्थिरता आ जाए, जो भी भटकाव हो रहे हैं अलग अलग स्थानों पर, आपकी इंद्रियां, वृत्तियां आपको खींचे ले जा रही हैं, वो ठहरने शुरू हो जाए। बस अगर किसी भी व्यक्ति ने इतना कर लिया तो समझें कि फिर क्या मार्ग अपनाना है, कहां से आपको अवसर मिलेंगे, किस प्रकार से आगे बढ़ा जाएगा, वो सब कुछ हो जाएगा। मूलभूत अगर ये सिद्धांत आपने समझ लिया और इस दिशा में कार्य, बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। आंकड़ों को याद रख लेना, आप समझें इस बात को, कोई बड़ा महत्व नहीं रखता। आंकड़े तो आपके पुस्तकों में है, आज के समय में इंटरनेट पर इतनी सुविधाएं हैं, आप निरंतर आंकड़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक मूलभूत गुण को विकसित कर लिया तो आपके जीवन में बदलाव होगा, और वो गुण है चिंतन, वो गुण है विचार करना, वो गुण है सोचना। अगर आप सोचने में सक्षम नहीं है, और मैं देखता हूं, हम सोचना तो बड़ी दूर की बात हो गई है, हम कुछ समय तक अपने साथ एकांत में बैठ भी नहीं सकते, हम कुछ समय तक अपने मस्तिष्क को एकाग्र किसी विषय पर करके नहीं रख सकते, तो चिंतन कहां से होगा? चिंतन के बिना, तो मूल्यांकन के बिना ना जीवन में सफलता है और ना ही कुछ नया घटित हो सकता है, ना ही कोई क्रिएटिविटी आ सकती है जीवन में। आप देखें, जितने भी कुछ आविष्कार हुए हैं, जितनी भी कुछ मानव सभ्यता ने इतना विकास किया है, वो चिंतन के माध्यम से एकमात्र हुआ है। हम शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन किसी विद्वान ने उस शास्त्र को लिखने से पहले उस विषय पर चिंतन किया है, वो चिंतन अगर ना होता तो हाथ में हमारे वो अमूल्य ज्ञान आज नहीं हो पाता। तो चिंतन ही आपको विकसित करेगा। ये भी आप समझ लें कि आपको निरंतर क्रिएटिव होना है, आपको कुछ ऐसी चीजें करनी है जिसमें कि आपको सोचना पड़े, जो बाध्यता हो जाए जिसे सोचने में। एक पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं, उसको मात्र पढ़ लेना एक अलग बात है, लेकिन उस पर विचार करना, जो मुझे पढ़ा है ये किस प्रकार से मेरे जीवन में उपयोगी है, क्या इससे
कुछ अलग तरीके से भी इस कार्य को किया जा सकता है, क्या मैं अपनी ओर से इसमें कुछ जोड़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। ये हमने अनुभव किया। हम जब स्वाध्याय करते थे तो हमने केवल किसी शब्द को, किसी वाक्य को पढ़ा नहीं, ये भी देखा इस विचार में गहनतम अवधारणा क्या हो सकती है, इसको और बेहतर कैसे समझें, इसको अपने जीवन में कैसे लेकर के आए। ये सारी चीजें व्यक्ति सोचता है तो एकाग्रता बढ़ जाती है, क्षमताएं बढ़ जाती हैं। अब कुछ ऐसी चीजें मैं आपके साथ साझा करता हूं जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण है, अगर इन चीजों पर ध्यान देते हैं तो उपयोगी रहेगा आपके लिए। तीन ऐसे अभ्यास मैं आपको बताऊंगा, तीन अभ्यास जो कि अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेंगे। इसका लाभ प्रत्यक्ष हमने देखा है अनेक हमारे बंधुओं के जीवन में और अपने जीवन में भी। मस्तिष्क की क्षमता को विकसित करने में विशेष उपयोगी होगा। साथ ही साथ आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना है, सात्विक जीवन शैली, सात्विक आहार, ब्रह्म मुहूर्त का ठीक प्रयोग, और वो अभ्यास जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। सात्विक आहार नहीं होगा, तमोगुणी आहार होगा, तो तमस का स्वभाव हमने पहले भी आपके साथ साझा किया है कि जड़ता है, वो कुंद करता है बुद्धि को, तो आप उतने एक्टिव नहीं हो पाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी नहीं बन पाएगी, आप सात्विकता में नहीं जिएंगे, आप अच्छा अनुभव नहीं करेंगे। आहार का सात्विक होना जरूरी है। सात्विक जीवन शैली, हमने यौगिक दिनचर्या के विषय में इससे पूर्व एक वीडियो साझा किया था, आप वो देखें, वो आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होगा। उस तरह से अपनी एक दिनचर्या को बना लें। इसके आगे बढ़ते हुए आपको ब्रह्म मुहूर्त का ठीक प्रकार से प्रयोग करना है। ब्रह्म मुहूर्त की उपयोगिता अगर आप आयुर्वेद के आधार पर देखते हैं, अगर आप वैज्ञानिक तल पर देखते हैं, अगर आप अपने शरीर की स्थितियों के आधार पर देखते हैं, हर दृष्टि से ये समय उपयोगी है। अगर इस समय का ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो शरीर के तल पर भी विकार आ जाएंगे, मन के तल पर भी निश्चित रूप से विकार आ जाएंगे, और आप अच्छा अनुभव भी नहीं करेंगे। पूरा दिन आपका एक अलग ऊर्जा के साथ व्यतीत हो सकता है ब्रह्म मुहूर्त का ठीक से प्रयोग करने से। इस विषय पर भी विस्तृत मार्गदर्शन किया गया है, सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, और ये वो वीडियोस आपके साथ डिस्क्रिप्शन में साझा की जा रही हैं जो कि परम उपयोगी हैं। इस चैनल पर जो आपके लिए हमारे विद्यार्थी हैं जिनकी कोई परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम, कोई अपना तैयारी कर रहे हैं, किसी नौकरी के लिए, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कि आपको विशेष एकाग्रता की आवश्यकता है, ये सभी मार्गदर्शन देख लें। इससे आगे बढ़ते हुए आपको तीन अभ्यास करने हैं। ये तीन अभ्यास हठ योग से संबंधित हैं। अब आप समझें कि आपके मस्तिष्क की अगर क्षमताओं को आप अपने मस्तिष्क की बढ़ाना चाहते हैं तो दो मुख्य बिंदु आपको ध्यान में रखने होंगे। पहला है आहार, यानी कि पोषण ठीक प्रकार से मिले, न्यूट्रिशन ठीक प्रकार से मिले, और दूसरा है ऑक्सीजन, प्राण वायु जो है वो ठीक प्रकार से पहुंच सके। इन दोनों के लिए ही केवल हठ योग के अंतर्गत ही मार्ग बताए गए हैं। तो आपको अगर न्यूट्रिशन को अच्छे से पहुंचाना है तो कैसे जाएगा, जब वो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, इस क्षेत्र में बढ़ेगा, तो आपको एक विशेष आसन करना है। इससे पहले आपको दो अभ्यास करने हैं। पहला है नाड़ी शोधन का अभ्यास। नाड़ी शोधन के विषय में हमने पहले भी मार्गदर्शन किया है, ये विद्यार्थियों के लिए मानसिक शांति के लिए, एकाग्रता के लिए, मस्तिष्क क्षमता को बढ़ाने के लिए और अच्छे एक पूरे सात्विक जीवन शैली को जीने के लिए उपयोगी है, और इसके विषय में हमने बड़ा ही विस्तृत मार्गदर्शन सनातन हठ योग चैनल पर किया है। सनातन हठ योग की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी, वहीं से जाकर के देखें। उससे आगे बढ़ते हुए भस्त्रिका प्राणायाम। अब आपने नाड़ी शोधन से लाभ प्राप्त किए, भस्त्रिका प्राणायाम से आप अपने शरीर में प्राणवायु के स्तर को बढ़ा रहे हैं, और इतना बढ़ा लेंगे कि वो पूरा एक पूरा संचार अनुभव हो आपके आपको आपके शरीर में, और ऐसा संभव है। किस प्रकार करना है वो भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया जाएगा। और इससे आगे बढ़ते हुए आपको दो अभ्यास करने के बाद, पहले नाड़ी शोधन का अभ्यास और उसके बाद भस्त्रिका का अभ्यास, अब प्राणवायु भी आपके शरीर में पर्याप्त है, इसको आपको मस्तिष्क की तरफ लेकर के जाना है, तो सर्वांगासन और शीर्षासन में से जो भी आपको सहज लगे वो आप कर सकते हैं। सहजता से अगर शीर्षासन होता है तो वही श्रेष्ठ है, और अगर सर्वांगासन हो पाता है तो सर्वांगासन करें। सर्वांगासन के विषय में मार्गदर्शन किया गया है, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो पहले नाड़ी शोधन का अभ्यास, फिर भस्त्रिका का अभ्यास, फिर सर्वांगासन का अभ्यास, ये तीन अभ्यास आप अवश्य ही कर लें। आप अन्य योग अभ्यास करते हैं वो भी निरंतर करते रहें, लेकिन ये अभ्यास विशेष परम उपयोगी हैं, ऐसा समझ करके इन तीन अभ्यासों पर विशेष ध्यान दें। इसकी थोड़ी अवधि भी बढ़ाएं, पहले 3-3 मिनट कर सकते हैं, फिर 4-4, 5-5 मिनट कर सकते हैं। अगर ये 5-5 मिनट भी करते हैं तो ये भी आपके लिए 15 मिनट का अभ्यास बड़ा ही अच्छा रहेगा, उपयोगी रहेगा। तो इसको आप ठीक से
समझ जरूर लें, क्योंकि नाड़ी शोधन के विषय में आपको विस्तृत मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा। ऐसा करते हैं, जीवन शैली अच्छी रखते हैं, भोजन अच्छा रखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अच्छा चिंतन रखते हैं, तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। इन सभी विषयों पर विशेष रूप से ध्यान दें, इन अभ्यासों को अपने योगाभ्यास का अंग जरूर बनाएं और अन्य सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चिंतन करें और कैसे आपको क्या क्या बदलाव अपने जीवन में करने हैं वो भी अवश्य देखें। आज के लिए आप सभी के लिए यही मार्गदर्शन है, सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।